दोस्तों नमस्कार। हरियाणा में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद, हालांकि लोकसभा चुनाव पूरे देश में हुए थे क्योंकि हरियाणा में भी साथ ही थे, तो लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद हरियाणा एक और चुनाव के मुहाने पर है। विधानसभा का चुनाव भी होना है, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा की एकमात्र राज्यसभा की सीट जो खाली हुई दीपेंद्र हुड्डा के लोकसभा सदस्य बनने के बाद, उस सीट पर अब चुनाव होना तय है। बहुत जल्दी चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा हो जाएगी और चुनाव कार्यक्रम को लेकर के तैयारियां पूरी हैं दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की, कांग्रेस और बीजेपी दोनों की। दोस्तों, लोकसभा चुनाव शुरू होने से पहले हमने कई बार आपसे एक वीडियो में जिक्र किया था, उसके अंदर हमने आपको बताया था कि दीपेंद्र हुड्डा जो राज्यसभा के मेंबर हैं, अगर वो चुनाव जीत जाएंगे लोकसभा का, तो भी एक फिर से चुनाव की तरफ बढ़ना होगा राज्यसभा के चुनाव के लिए, और वो हो रहा है। और इसके साथ साथ एक दूसरी बात ये कि कांग्रेस भले ही 5 लोकसभा सदस्य अपने चुनाव में जीत गई, लेकिन इसके बावजूद एकमात्र जो मेंबर राज्यसभा का हरियाणा से कांग्रेस का था, शायद अब वो ना बन पाए। शायद जो चुनाव डिक्लेयर जब भी होगा राज्यसभा का, उसके लिए कांग्रेस का कैंडिडेट चुनाव ना जीत पाए और चुनाव भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत जाए, यानी कि बीजेपी को हरियाणा से एक राज्यसभा का मेंबर और मिल सकता है। दीपेंद्र हुड्डा का जो टर्म था राज्यसभा के मेंबर बतौर, 2026 तक के लिए था, और चुनाव से पहले कई बार जो SRK गुट था या कांग्रेस के अंदर भूपेंद्र हुड्डा विरोधी जो गुट था, वो हमेशा कहा करता था कि दीपेंद्र हुड्डा को लोकसभा का चुनाव ना लड़ाया जाए, उसके पीछे मकसद यही हुआ करता था। खैर, अब जो होना था वो हुआ, चुनाव हुआ, चुनाव के अंदर दीपेंद्र हुड्डा कैंडिडेट हुए और चुनाव वो जीत गए और हरियाणा के अंदर रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीते दीपेंद्र हुड्डा। अब राज्यसभा के सदस्य के चयन के लिए जो हरियाणा के अंदर परिस्थितियाँ हैं, बहुत बदली हुई हैं। 90 सदस्य विधानसभा के अंदर, इस समय 87 विधायक रह गए हैं। 3 विधायक जिनमें से एक का निधन हो गया और 2 विधायकों का इस्तीफा हो गया। राकेश दौलताबाद जो विधायक थे बादशाहपुर के, उनका मतदान के दिन 25 मई को दर्दनाक उनकी मृत्यु हो गई क्योंकि अचानक से उनका हार्ट फेल हुआ और वो दुनिया छोड़कर चले गए। एक होनहार विधायक दुनिया छोड़कर चला गया उस दिन। हरियाणा का एक विधायक भी कम हुआ और एक क्षति हुई पूरे प्रदेश को। खैर, 2 विधायक और, रंजीत सिंह चौटाला निर्दलीय विधायक थे, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की तो उनको रिजाइन देना पड़ा। और दूसरे विधायक जिन्होंने रिजाइन हो गया, वो हैं वरुण मुलाना, वरुण चौधरी मुलाना के MLA, लोकसभा के सदस्य बन गए हैं, सांसद बन गए अम्बाला से, तो उनका इस्तीफा हो गया। इस तरीके से अब 87 सीटें बाकी बच गई। अगर माने तो 87 सदस्य विधानसभा के अंदर जो दलवार स्थिति बनती है, वो कुछ ऐसे है कि इस समय अब निर्दलीय विधायक जो है वो 5 रह गए हैं 7 के स्थान पर। 7 चुनाव जीते थे, 7 में 5 रह गए। कांग्रेस के 30 विधायक थे पिछले दिनों तक, जिनमें से वरुण मुलाना का इस्तीफा हो गया, वो 29 रह गए। जननायक जनता पार्टी के 10 विधायक हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के 1 विधायक हैं, हलोपा के 1 विधायक हैं गोपाल कांडा, और भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं 41। जिन विधायकों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को, वो हैं बीजेपी के 41 अपने हैं, और इसके साथ उनको गोपाल कांडा का समर्थन भी है और इंडिपेंडेंट समर्थन एक नयनपाल रावत दे रहे हैं। बाकी 4 निर्दलीय जो विधायक बचे हुए हैं, 4 निर्दलीय विधायक, वो कांग्रेस के साथ हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में हैं। वो चाहे महम वाले विधायक हैं, इसके अलावा सोमवीर सांगवान हैं, बाकी 2 विधायक और हैं, 4 विधायक गोंदर साहब हैं, ये 4 विधायक इस समय कांग्रेस के समर्थन में हैं। इसके बाद में जो जननायक जनता पार्टी के 10 विधायक हैं, जननायक जनता पार्टी के 10 विधायकों के अंदर स्थिति ये है कि खुद दुष्यंत चौटाला को भी पूरी तरह नहीं पता होगा कि कौन उनकी बात मानेगा, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में दोस्तों व्हिप काम नहीं करती। राज्यसभा के सदस्य के चुनाव के लिए जो वोट करते हैं विधायक, वो वोट उनके इंडिपेंडेंट हैं, वो किसी को भी वोट दे सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग थी जिसके बाद ऐसा हुआ। हालांकि और सब मामलों में, चाहे सरकार का विश्वास मत की बात हो या और जो विधानसभा के अंदर कोई बिल पास होने हो, तो उसके लिए बहुमत के लिए पूरे विधायक चाहिए, व्हिप चलती है, लेकिन राज्यसभा के मेंबर के लिए व्हिप नहीं चलती, इसलिए क्रॉस वोटिंग बहुत होगी। अगर आप देखें संख्या बल के लिहाज से अगर चलें,
जननायक जनता पार्टी के विधायकों को कुछ देर के लिए आप एक साइड कर दें, तो फिर इस लिहाज से अगर आप देखें तो 87 सदस्यीय जो विधानसभा है उसके अंदर जो भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी की सरकार है, उसके पास 41 अपने MLA हैं, एक उनके पास गोपाल कांडा और एक नैनपाल रावत, 43 उनके पास हो गए। आप 10 विधायक जो जननायक जनता पार्टी है उनको साइड कर दीजिए, और मानकर चलिए कि अभय सिंह चौटाला भी कांग्रेस के पक्ष में तो नहीं होंगे। इस लिहाज से जो कांग्रेस के पास बचते हैं वो कांग्रेस के अपने 29 विधायक और इसके साथ में उनको समर्थन देने वाले इंडिपेंडेंट 4 विधायक, ये 33 हुए, 33 इधर और 43 उधर। तो फिर भारतीय जनता पार्टी के पास संख्या बल के लिहाज से पर्याप्त स्थिति है। अब अगर आगे बढ़ते हैं तो जननायक जनता पार्टी के जो विधायक हैं, आप इनेलो वालों को तो छोड़ दें, अभय सिंह चौटाला ऐसा लगता है कि ना वो सरकार की तरफ जाएं ना वो विपक्ष की तरफ जाएं। अब जो 10 विधायक जननायक जनता पार्टी के हैं, तो अब उन 10 विधायकों पर मान लीजिए आप कि नैना चौटाला, दुष्यंत चौटाला और अनूप धानक, ये 3 विधायक जननायक जनता पार्टी के पक्के हैं और ये 3 विधायक संभवतः सरकार के खिलाफ वोट कर सकते हैं। अब जो बाकी बचे 7 विधायक हैं, उन बाकी बचे 7 विधायकों के अंदर भी एक कहावत है कि इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। जननायक जनता पार्टी की स्थिति कुछ ऐसी है, जननायक जनता पार्टी की स्थिति ऐसी हो गई कि उनके विधायकों का पता नहीं चलता कि वो कब कहाँ चले जाएं। हालांकि इनके बाद में जो दुष्यंत चौटाला के साथ जो चौथे विधायक हो सकते हैं, जिस चौथे पर आप सोच सकते हैं कि उनके पास एक विधायक और जुड़ सकता है। अब बाकी बचे 6 विधायक, उनके अंदर देवेंद्र बबली कांग्रेस को समर्थन कर रहे थे पिछले दिनों, दादा रामकुमार गौतम का पता ही नहीं चलता कब कहाँ हो जाए, लेकिन लगता ऐसा है कि वो सरकार को समर्थन करेंगे। जोगीराम सिहाग सरकार को समर्थन कर रहे थे, बरवाला वाले विधायक। बाकी जो विधायक बचे हुए 3 रह जाते हैं, उन 3 विधायकों का भी आज तक नहीं पता कि वो किस तरफ पलट जाएं। यानी कि जननायक जनता पार्टी के विधायकों की निश्चित तौर पर आप मान लें तो क्रॉस वोटिंग तय है। दुष्यंत चौटाला जी के खेमे में 4 विधायक रह सकते हैं और बाकी 6 विधायक अपनी मर्जी के हिसाब से चलेंगे कि वो कहां चले जाएं। इस सब के हिसाब से अगर आप माने तो फिर बीजेपी के पास अपना बहुमत बनाने के लिए और अपना राज्यसभा सदस्य जिताने के लिए कोई समस्या आड़े आएगी नहीं। वैसे इस सब के बावजूद भी जो भारतीय जनता पार्टी के नीति निर्धारक हैं या बीजेपी के जो चाणक्य हैं अमित शाह, वो नज़र तो पूरी रखे हुए हैं और संभावना ऐसी जताई जा रही है, आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, संभावना ऐसी जताई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने किसी नेता को इसमें कैंडिडेट बनाने की बजाय कोई आयातित नेता ढूंढ करके उसको भी कैंडिडेट बना सकती है। यानी कि किसी और पार्टी का ला करके, संभवतः वो कांग्रेस का हो सकता है, अगले वीडियो में आपसे जिक्र करूंगा कि कांग्रेस के किसी नेता को ला करके भी मेंबर बनाया जा सकता है राज्यसभा का कैंडिडेट, ताकि वो कांग्रेस के भी 2-4 विधायकों का जुगाड़ करके और ले आए। लेकिन हाल फिलहाल अगर देखा जाए आज की स्थिति में जो है कि भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा से एक राज्यसभा सदस्य का फायदा होता दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि हरियाणा के अंदर जो 5 राज्यसभा मेंबर टोटल जो है हरियाणा के, जिनमें से पहले से ही 4 बीजेपी की तरफ हैं, 3 बीजेपी के सिंबल पर जीते थे और एक इंडिपेंडेंट जीते थे कार्तिकेय शर्मा, बाकी जो 5वां सांसद जो दीपेंद्र हुड्डा थे, जो सीट खाली हो गई है, ऐसा लगता है कि वो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ एक सीट और बढ़ सकती है। आपको क्या लगता है कि हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में क्या हो सकता है? आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार स्याही बदलने वाले खेल चलते रहे थे, क्या आपकी बार भी और भी कोई नया खेल हो सकता है? और आपको क्या लगता है कि क्या कोई नेता कांग्रेस से ला करके बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़वाया जा सकता है राज्यसभा के सदस्य के लिए? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।